नरपत सिंह राजवी की, जिन्हें विद्याधर नगर की उनकी सीट काट करके उन्हें विधानसभा चित्तौड़गढ़ से उन्हें सीट दी गई है। हमारे सहयोगी पिंटू सिंह ने उनसे की है खास बातचीत। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा है नरपत सिंह। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के कद्दावर नेता और विधायक नरपत सिंह राजवी। राजवी साहब को इस बार चित्तौड़गढ़ से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, उनसे जानने की कोशिश। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इस बार पार्टी ने आपको चित्तौड़गढ़ से चुनाव मैदान में उतारा, कैसे? पार्टी ने उतारा है तो देखने का आगे गुंजाइश का है। जहाँ जहाँ चेंजेस जो भी उन्होंने देखा है, ठीक समझा है, वो किया है। पार्टी के सिपाही के तौर पर पहले काम किया है, अब भी करते रहे। चित्तौड़गढ़ से पहले भी आप विधायक रहे हैं? मैं दो बार विधायक रहा हूँ वहाँ से। कुछ आपका पहले जब आप विद्याधर नगर से लगातार 3 बार आपने नेतृत्व किया, टिकट कट, आप कोई पार्टी से कोई नाराजगी कोई किसी प्रकार का? नहीं, नाराजगी का प्रश्न नहीं। जहाँ 3 टेन्योर तक काम करते हैं तो उसका रिजल्ट सामने आता है। और इसको कॉन्स्टिट्यूंसी को मैंने 9,500 की पहले चुनाव में लीड थी, उसको अब पहुंचाते पहुंचाते 1,25,000 से ऊपर वोट डिफरेंस का किया है। तो एक लगाव जो कार्यकर्ताओं से होता है वो तो स्वाभाविक है, मैं भी इंसान हूँ, इसीलिए नाराजगी बाहर आई। नाराजगी नहीं, लेकिन ये इच्छा ये थी कि यहीं से लड़ें तो नज़दीक है, यहाँ से चुनाव लड़ने का भी एक रीज़न था। एक तो कॉन्स्टिट्यूंसी नई बनी थी, दूसरा माननीय भैरव सिंह जी शेखावत का कैंसर हो गया था और उस समय बार बार इलाज के लिए बाहर जाना होता था। मैं हेल्थ मिनिस्टर था 2008 में और 2008 के बाद में ही चुनाव हुआ। तो जब प्रश्न उन्होंने किया कि आपको मेरी सेहत का मेरे देखभाल करनी ज़्यादा ज़रूरी है या चुनाव, तो नेचुरली उनकी देखभाल करना ही ज़्यादा उपयुक्त समझा और इसलिए खाली सीट थी, यहाँ पर मेरे को प्रत्याशी बनाया। राजीव साहब, चंद्रबान सिंह आखिया जो मौजूदा विधायक है उनका वहाँ से टिकट कटा है, नाराजगी की खबरें आ रही, क्या आप उनको मनाने के लिए करेंगे और क्या रहेगा? नहीं, वो भी अच्छा कार्यकर्ता है, नाराज होने का प्रश्न नहीं है। आपके साथ काम किया उन्होंने? शुरुआत ही मेरे साथ की है और डेडिकेटेड है, हार्ड वर्किंग है, खूब भागदौड़ की है। सेकेंड टेन्योर में खासतौर पर 2003 से 2008 के बीच में काफ़ी सहयोग किया है उन्होंने। इस बार के चुनाव को कैसे देखते हैं, कोई चुनौती मानते हैं आप? नहीं, चुनाव हमेशा ही चुनौती है। आप पब्लिक के परसेप्शन में खड़े उतरोगे तो सही है। कांग्रेस की भी लिस्ट आई है लेकिन बहुत छोटी लिस्ट आई है, आज आ जाएगी, आज नहीं तो कल आ जाएगी, लिस्ट तो आनी है। यह है विधायक नरपत सिंह राजवी जिनको चित्तौड़गढ़ से प्रत्याशी बनाया गया और इनका कहना है कि कोई पार्टी से उनकी नाराजगी नहीं है, चित्तौड़गढ़ से वो पहले भी विधायक रहे हैं लेकिन विद्याधर नगर की जनता से उनका लगाव था, इसके चलते कुछ बातें सामने आती है, लेकिन वो पूरी तरीके से चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन विजयनाथ मिश्रा के साथ पिंडू सिंह नरुका, समाचार प्लस, जयपुर।